हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूँ सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोज में अपन ने स्टार्ट किया था स्टडी स्टेट एसी सर्किट्स। तो उसमें अपन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव की आरएमएस वैल्यूज देखी थी। फुल वेव की आरएमएस वैल्यू, हाफ वेव की आरएमएस वैल्यू, स्क्वायर वेव की आरएमएस वैल्यू। तो चलिए इस सीरीज में और आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे एक कोई क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये कोई आपको वोल्टेज का फंक्शन देख ही रखा है, एसी वोल्टेज का फंक्शन देख ही रखा है। इसमें आपको बोला गया आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी टी इक्वल टू 3 प्लस sin 3t प्लस कॉस टी, ये आपको देख रखा है। इसकी आरएमएस वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल का एडिशन हो। 3 है यहाँ पर, केवल डीसी टर्म है 3, इसके साथ कोई साइनसोइडल टर्म नहीं है। ये साइनसोइडल टर्म है, ये साइनसोइडल टर्म है। तो इनकी आरएमएस वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इंडिविजुअली इसकी आरएमएस वैल्यू, इसकी आरएमएस वैल्यू, इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे तो टोटल आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ वी आरएमएस 1 का होल स्क्वायर प्लस वी आरएमएस 2 का होल स्क्वायर प्लस जितने भी टर्म होंगे उनका आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यू कैसे लिखेंगे इसकी? 3, ये तो डीसी टर्म है तो डीसी टर्म का होल स्क्वायर ये हो गया, प्लस ये इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर वीएम की वैल्यू कितनी है? 1। और फुल वेव का आरएमएस वैल्यू कितनी होती थी? वीएम बाई रूट टू, ठीक है। तो वीएम की वैल्यू है 1, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पर भी 1 है तो 1/√2 का होल स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किया तो 9 + 1/2 + 1/2, तो इसकी टोटल आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? √10। तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर आपके पास साइनसोइडल टर्म गिवन है उनका एडिशन है तो उनकी आरएमएस वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? टोटल रूट के अंदर इंडिविजुअल आरएमएस का स्क्वायर करके। तो ये तो हुई आरएमएस वैल्यू की बात। अब स्टार्ट करते हैं अपन एवरेज वैल्यू क्या होती है। आरएमएस वैल्यू अपन ने देखी थी, आरएमएस वैल्यू डिपेंड होती है कहाँ पर? डिपेंड करती है हीटिंग इफेक्ट पर। हीटिंग इफेक्ट पर, जब जब एसी सर्किट में का हीटिंग इफेक्ट डीसी सर्किट के हीटिंग इफेक्ट के इक्वल हो जाता है। अब एवरेज वैल्यू में क्या होता है? एवरेज वैल्यू इज डिपेंड बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट। जो एवरेज वैल्यू होगी वो आपकी डिपेंड करेगी चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट, मतलब किसी सर्किट में टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो होती है आपकी एवरेज वैल्यू। मतलब किसी सर्किट में जितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो होगी आपकी एवरेज वैल्यू। तो द वोल्टेज एट विच चार्ज ट्रांसफर इन एसी सर्किट इज इक्वल्स टू द चार्ज ट्रांसफर इन डीसी सर्किट इज कॉल्ड एज वी एवरेज। इसको डिनोट करते हैं वी और एवीजी स्मॉल में। प्रोवाइडेड बोथ एसी एंड डीसी सर्किट हैव इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये आरएमएस वैल्यू के लिए भी था लेकिन उसमें क्या देख रहे थे अपन? हीटिंग इफेक्ट पर, ठीक है। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, आरएमएस वैल्यू आपकी डिपेंड करती है हीटिंग इफेक्ट पर। इनसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। और एवरेज वैल्यू आपकी डिपेंड करती है कहाँ पर? चार्ज ट्रांसफर पर। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है इसमें। ये हो गया एवरेज वैल्यू के लिए सर्किट। कोई डीसी वोल्टेज सोर्स लगा है, करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस इसमें है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आर। और आई की वैल्यू आप जानते हैं चार्ज अपॉन टाइम, तो क्यू हो जाएगा आपका टोटल चार्ज आई इंटू टी। ये हुआ डीसी के लिए। अब वही मान के चलिए तो टोटल चार्ज हुआ आपका आई इंटू टी। और एसी सर्किट की बात करें तो वी एवरेज यहाँ पर वोल्टेज हो गया, आई एवरेज करंट हो गया, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। तो इसमें आई हो जाएगा आपका वी अपॉन आर और आई की वैल्यू होती है क्यू अपॉन टी। तो क्यू हो जाएगा एसी के लिए आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो जब चार्ज हो जाएगा आपका एसी का पूरा चार्ज डीसी के चार्ज के इक्वल हो जाएगा, तब वो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी एवरेज, मतलब एवरेज वैल्यू को डिनोट करेगा वो। इसके और कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ सिमेट्रिकल वेव्स इज इक्वल्स टू 0। किसी कंप्लीट साइकिल के लिए सिमेट्रिकल जो वेव फॉर्म होगी उसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सिमेट्रिकल वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी कंप्लीट साइकिल के लिए। तो इसका एक और पॉइंट है, फॉर एनालिसिस
while finding average value of symmetrical wave, angle of half cycle is considered, either voltage or current waveform. मान के चलिए अपन को एनालिसिस करनी है, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है सिमेट्रिकल वेव की, तो अपन सिमेट्रिकल वेव में क्या करेंगे, हाफ हाफ साइकिल लेके उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे हाफ साइकिल लेके इसको सॉल्व करेंगे। और व्हाइल फाइंडिंग एवरेज वैल्यू ऑफ अनसिमेट्रिकल वेव, एंगल ऑफ कंप्लीट साइकिल इज कंसीडर्ड। अगर अनसिमेट्रिकल वेव है तो उसके लिए आप उसका पूरा टाइम पीरियड लेंगे, कंप्लीट साइकिल लेंगे। जैसे ये होगी आपकी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि जितना इसका पॉजिटिव में पोर्शन है उतना ही इसका नेगेटिव में है। जीरो से पाई तक पॉजिटिव है और पाई से टू पाई तक नेगेटिव है। तो ये होगी आपकी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म में इसकी एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/π 0 to π और v dω t। इसमें v का स्क्वायर नहीं है, 0 1 to 1/π। मैंने बताया ना सिमेट्रिकल में आप हाफ हाफ साइकिल लेके कंसीडर करेंगे। हाफ साइकिल आपने 0 to π तक कंसीडर किया तो 1/π टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड हो गया, और 0 to π और v dω t। वहीं अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल वेव है, ये देखिए यहाँ तक ट्राइंगल है उसके बाद स्क्वायर वेव हो रही है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वी एवरेज वैल्यू 1/2π टोटल टाइम पीरियड है 0 to 2π, तो टोटल टाइम पीरियड से इसको डिवाइड कर दिया। फिर अपन ने इंडिविजुअल साइकिल लीव की, तो 0 to π ली फर्स्ट में, 0 to π ली, तो 0 to π और v dω t। फिर दूसरी बार में π to 2π ली और v dω t। तो ऐसे आप कैलकुलेटिंग को कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? RMS वैल्यू आपने देख ली, एवरेज वैल्यू आपने देख ली, ठीक है। तो जो फॉर्म फैक्टर आपका होगा वो होता है RMS वैल्यू अपॉन वी एवरेज वैल्यू। जो उस वेव फॉर्म की, मान के चलिए ये कोई एक वेव फॉर्म है, इसकी RMS वैल्यू अलग होगी और एवरेज वैल्यू अलग होगी। जो RMS वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है आपकी हीटिंग इफेक्ट पर, और जो एवरेज वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपकी चार्ज ट्रांसफर पर। तो RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू आप करेंगे तो इसका आपको फॉर्म फैक्टर मिल जाएगा। फॉर्म फैक्टर में आपको आगे बताता हूँ इसका क्या यूज है, क्यों इसको निकालते हैं अपन। इसके पहले अपन ने RMS वैल्यू देखी थी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फॉर्म की। अब अपन एवरेज वैल्यू देख लेते हैं उन्हीं सब वेव फॉर्म की। जैसे ये हुई आपके सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, इसकी साइकिल है 0 to 2π, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/π, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इसलिए इसको हाफ साइकिल लेके कंसीडर करना है इसका एरिया। तो 1/π से डिवाइड किया और 0 to π v dω t। तो v की वैल्यू तो Vm sin ωt पुट की, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इनकी बस आपको वैल्यू याद रखनी है। वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2Vm/π। लेकिन आपको ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, ये इतनी याद नहीं रखनी है, इनकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। फुल वेव के लिए वी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2Vm/π। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, 2Vm/π। फुल वेव, ये फुल वेव रेक्टिफायर की फुल वेव है, तो इसके लिए भी वी एवरेज कितनी हो जाएगी, 2Vm/π, 2Vm/π। अब मान के चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव आपको गिवन है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, Vm/π। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको RMS वैल्यू के लिए बताई थी कि जैसे ये फुल वेव थी और उसकी आपको हाफ वेव की निकालनी है, तो फुल वेव की RMS वैल्यू कितनी थी, Vm/√2। और इसमें आपको अगर RMS वैल्यू हाफ वेव की निकालनी है तो उसमें कितनी हो रही थी, √2 से आपको, आपने इसको फर्दर डिवाइड किया तो हो रही थी Vm/√2। इसमें आपको फुल वेव की एवरेज वैल्यू बस याद रखनी है, एवरेज वैल्यू कितनी है, 2Vm/π। और एवरेज वैल्यू में अगर इसको आपको हाफ की निकालनी है तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vm/π। ये सिंपल आपको याद रखने के लिए, कैसे आप इतनी सारी वैल्यूज याद रखेंगे, इसलिए मैं आपको बता रखा हूँ कहीं से रिलेट करके आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। तो वही बात आप स्क्वायर में आपको
आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू हमेशा वीएम ही होती है। आरएमएस वैल्यू भी उसकी वीएम थी, एवरेज वैल्यू भी उसकी वीएम हो जाएगी। और स्क्वायर वेव की हाफ वेव स्क्वायर वेव की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीएम बाई टू। एवरेज वैल्यू में आपको क्या करना है, टू से डिवाइड करना है। साइनसोइडल थी तो उसको भी आपने टू से डिवाइड किया था, हाफ स्क्वायर चाहिए तो उसको भी टू से डिवाइड किया, तो वी एम बाई टू। और एक बस ये डिफरेंस है, आरएमएस वैल्यू में अपन क्या करते थे, रूट टू से डिवाइड कर रहे थे, और एवरेज वैल्यू के लिए क्या कर रहे हैं, टू से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखनी है, बस फुल वेव की याद रखिए आप, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, तो इनकी हाफ की आप निकाल सकते हैं। आरएमएस में रूट टू से डिवाइड कर रहे थे, एवरेज में टू से डिवाइड कर रहे थे। और ये आपके पास एक सॉ टूथ वेव है, तो सॉ टूथ वेव का एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एम बाई टू। ये ट्राइंगुलर वेव है, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एम बाई टू। तो ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी है, कैसे भी आप याद रखें इनको। जैसे ये कोई आपको वेव गिवन है, स्क्वायर वेव गिवन है, तो इसकी एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से 1/4। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, यहाँ तक फिर इसके बाद रिपीट हो रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 0 to 4 तक टोटल टाइम पीरियड से इसको डिवाइड किया, फिर हाफ साइकिल का टाइम पीरियड है 0 to 2 तक, तो 0 to 2 तक वैल्यू कितनी है इसकी, 10। तो 10 dt प्लस फिर 2 to 4, ये 2 to 4 तक, फिर वैल्यू कितनी है 20, तो 20 dt हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे, तो वी एवरेज की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15। तो ऐसे आप इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इन द फिगर शोन सर्किट कंसिस्ट ऑफ आइडियल डायोड, डायोड आइडियल डायोड है, एक ये डायोड D1 है, एक ये डायोड D2 है, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ इंडिकेटिंग एमीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। यहाँ पर एक एमीटर रखा है, एमीटर आपको कौन सा गिवन है, जो एवरेज वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, कौन सी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, एवरेज वैल्यू को। तो इसमें आपको वोल्टेज गिवन है Vt equals to 4 sin ωt, तो 4 हो गया आपका Vm की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो जब ये डायोड आइडियल डायोड यहाँ पर गिवन है आपको, तो आइडियल डायोड में यहाँ से मान के चलिए करंट फ्लो होगा, तो ये डायोड रिवर्स वाइज हो जाएगा, अगर ऐसे करंट फ्लो होगा इसमें तो ये डायोड हो जाएगा आपका ओपन सर्किट, यहाँ से यहाँ तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। तो जो टोटल करंट होगा वो फ्लो हो जाएगा आपका पूरा एमीटर के थ्रू, इस डायोड के थ्रू ऐसे फ्लो होगा आपका पूरा करंट, ठीक है, इस डायोड के थ्रू ऐसे जाके, ठीक है, और इस ब्रांच में ओपन सर्किट हो जाएगा। तो एमीटर आपका एवरेज वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, तो वोल्टेज आपको इस फॉर्म में गिवन है, साइनसोइडल फॉर्म में, तो इसका आप एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे वोल्टेज का, वी एवरेज हो जाएगा आपका वीएम बाई पाई। वीएम बाई पाई क्यों, क्योंकि अगर फुल वेव होती आपकी अगर फुल वेव होती तो उसकी वैल्यू होती थी 2 Vm by pi, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका डायोड है, और डायोड भी आपका यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो फर्स्ट साइकिल में जैसे प्लस साइकिल लिया अपन ने, तब डायोड कंडक्ट करेगा केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। वहीं पर अगर निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज हो जाएगा, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये हाफ साइकिल हुई आपकी। तो और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीएम बाई पाई, तो वीएम की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, तो 4 बाई पाई, तो आई एवरेज हो जाएगी आपकी कितनी, वी एवरेज अपॉन आर, तो आर की वैल्यू है 10 किलो, तो ऐसे आपने इसको कैलकुलेट कर लिया आई एवरेज की वैल्यू, तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, 0.4 upon pi milliampere। इसमें एक नोट देख लेते हैं, टू जस्टिफाई अबोव द शेप ऑफ द वेवफॉर्म, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर कॉन्सेप्ट आर इंट्रोड्यूस्ड। किसी भी वेवफॉर्म का अपन को अगर शेप देखना है, उसका शेप के लिए अपन ने दो टर्म डेवलप किए, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, ठीक है। और फॉर्म फैक्टर में आपको बता चुका हूँ, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, मतलब किसी भी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, वो होता है आपका फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो जैसे बात करें अपन फुल वेव की, तो वी आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीएम बाई रूट टू, और एवरेज वैल्यू इसकी
बात कर रहे हैं अपन इस वाली वेव की, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 2 Vm/I। तो इसको आपने सॉल्व किया तो Vm टू Vm कैंसिल हो जाएगा और 1.11 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और इसी की अपन पीक फैक्टर की बात करें, पीक फैक्टर ये तो हुई फॉर्म फैक्टर, दूसरा होता है आपका पीक फैक्टर, या उसी को क्या बोलते हैं, क्रीस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं, क्रीस्ट फैक्टर। तो पीक फैक्टर आपका क्या होगा, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, ये हो रहा था आपका आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये होता है आपका पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, वीएम बाय वीआरएमएस। तो इसके लिए आप जैसे इसके लिए आप वीएम हो गया आपका, वीएम तो वीएम ही रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू वीएम हो गया, और इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, वीएम बाय रूट टू, तो वीएम टू वीएम कैंसिल हो गया, तो इसकी जो पीक फैक्टर हो गया वो हो गया आपका रूट टू। तो ऐसे हो गया आपका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, इनके फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज फॉर्म फैक्टर और वी एम अपॉन वी आर एम एस आपका पीक फैक्टर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं इनके फॉर्मूले, इनसे आप किसी भी वेव का आप निकाल सकते हैं, बस इसकी आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू आपको पता हो। अब जैसे पावर सिस्टम में अपन यूज करते हैं, तो पावर सिस्टम में नॉर्मली जो फॉर्म फैक्टर यूज होता है वो 11 की मल्टीप्लाई में होता है। जैसे पावर सिस्टम में फॉर्म फैक्टर 11 kV, 33 kV या 66 kV, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। बस आप ये याद रखना है इसमें कि हमेशा जो पावर सिस्टम में फॉर्म फैक्टर यूज करते हैं वो 11 के मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अपन डिफरेंट टाइप्स की वेव्स हैं अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन आया है ये, फॉलोइंग वेव फॉर्म Having form factor equals to peak factor, एक ये A B C D, ये आपको चार वेवफॉर्म गिवन है। इसमें पूछा गया कि कौन सी वेवफॉर्म में आपका फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर के बराबर है, तो एक एक वेव की अपन एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं A में, तो इसमें आर एम एस वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर वेव की, वी आर एम एस, और वी एवरेज इक्वल होती है आपकी वी एम की, तो इसका फॉर्म फैक्टर हो जाएगा आपका आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, मतलब वी एम ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका, और पीक फैक्टर हो जाएगा आपका वी एम अपॉन वी आर एम एस, तो 1 हो जाएगा। बी वेव की बात करें तो इसकी आर एम एस वैल्यू कितनी होगी, वी एम बाई रूट टू, वी एम बाई रूट टू इस वाली वेव के लिए, और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, वी एम बाई टू। ये आप पिछले देख चुके होंगे पिछली स्लाइड्स में, इनको वह याद रखना है आपको कौन सी वेव की आर एम एस वैल्यू कितनी होती है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है। तो इसका फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, तो वी एम बाई रूट टू अपॉन वी एम बाई टू, तो रूट टू हो गया, और पीक फैक्टर हो जाएगा आपका रूट टू, क्योंकि वी एम डिवाइड बाई वी आर एम एस, तो वी एम कितना, वी एम वी एम कैंसिल हो जाएगा और पीक फैक्टर हो जाएगा आपका रूट टू। ठीक है, सी की बात करें, ये एक डीसी वेव आपको गिवन है, वोल्टेज इसका कांस्टेंट है, तो इसकी वी आर एम एस और वी एवरेज वैल्यू वी एम हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू या वी हो जाएगी, तो इसका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर 1 हो जाएगा। डी वेव फॉर्म की बात करें तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ट्राइंगुलर वेव थी, तो आर एम एस वैल्यू कितनी थी, वी एम बाई रूट थ्री, और एवरेज वैल्यू कितनी थी, वी एम बाई टू, तो इसका फॉर्म फैक्टर हो जाएगा आपका कितना, फॉर्म फैक्टर होता है आपका वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, तो 2/√3, और पीक फैक्टर कितना हो जाएगा, √3 वी एम अपॉन वी आर एम एस। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।